नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स लेसन 3 के न्यूमेरिकल्स और सभी फार्मूले बताऊंगा। और इस वीडियो का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके पहले वाले लेसन की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें फार्मूला, पहला सूत्र है वैद्युत विभव। इसका सूत्र होता है कैपिटल वी बराबर डब्लू बटे क्यू जीरो। यहाँ पर डब्लू किया गया कार्य है और क्यू जीरो परीक्षण आवेश। तो ये वैद्युत विभव है और इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। इसके बाद दूसरा है वैद्युत विभवांतर, इसको लिखते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बटे क्यू जीरो, यानी कि बिंदु ए का विभव और बिंदु बी का विभव ये दोनों हो जाएंगे। W यहाँ पर किया गया कार्य और Q0 परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में जो वैद्युत विभवांतर होता है उसको वी ए माइनस वी बी से लिखते हैं, और इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। इसके बाद तीसरा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसका सूत्र होता है कैपिटल वी बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू बटे आर। अगर निर्वात या वायु है तो निर्वात और वायु के लिए परावर्तांक के का मान होता है वन, तो फिर ये सूत्र हो जाएगा वी बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटे आर। क्यू यहाँ पर आवेश है और आर जिस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है उसकी दूरी। इसके बाद चौथा है गतिज ऊर्जा, यानी कि जब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करके जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसको निकालने का सूत्र होता है कैपिटल के बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू यहाँ पर आवेश और डेल्टा वी विभवांतर, और इसका मात्रक होता है जूल। इसके बाद वेग, यानी कि जिस वेग से वो गति करके जा रहा है उस वेग को निकालना, तो इसका सूत्र होता है वी बराबर अंडर रूट टू क्यू इंटू डेल्टा वी बटे एम। यहाँ पर एम जो है आवेशित कण का द्रव्यमान है और डेल्टा वी वैद्युत विभवांतर है और क्यू जो है वो वैद्युत आवेश हो जाएगा। इसके बाद अगला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है कैपिटल यू बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बटे आर। इसका भी मात्रक जूल होता है। इसके बाद अगला एक समान रूप से आवेशित गोले की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है कैपिटल यू बराबर थ्री क्यू स्क्वायर बटे बीस पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल आर। यहाँ पर स्मॉल क्यू जो है वो गोले पर वितरित आवेश है और कैपिटल आर गोले की त्रिज्या। इसके बाद अगला एक समान रूप से आवेशित एक पतले गोली कोश की स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा, इसका सूत्र होता है कैपिटल यू बराबर स्मॉल क्यू स्क्वायर बटे एट पाई एप्सिलॉन जीरो आर। यहाँ पर क्यू जो है आवेश और कैपिटल आर गोली कोश की त्रिज्या। इसके बाद अगला ऊर्जा घनत्व, इसको लिखते हैं यू ई से। सूत्र होता है वन बटे टू एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बाद अगर निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में आपको ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है तो फिर सूत्र होता है यू ई बराबर वन अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो था वो निर्वात की विद्युतशीलता थी और एप्सिलॉन आर जो है वो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो इसमें अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र होता है वी बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी बटे आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र होता है वी बराबर जीरो। और तीसरा सामान्य स्थिति, इसका सूत्र होता है वी बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसके बाद अगला विभव प्रवणता, इसका सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन माइनस डेल्टा वी और बटे डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। इसके बाद अगला विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध,
तो इसका सूत्र होता है कैपिटल ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद न्यूमेरिकल्स, तो पहला क्वेश्चन है 1.3×10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी वस्तु क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 6.5×10⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है 1.3×10⁻⁷ कूलाम के आवेश, यानी कि क्यू बराबर दिया गया है 1.3×10⁻⁷ कूलाम, और फिर लिखा गया है बिंदु तक लाने में 6.5×10⁵ जूल कार्य, यानी कि W बराबर दिया गया है 6.5×10⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, और वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि V बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है V बराबर W बटे क्यू, यानी कि वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। तो ये हो जाएगा किया गया कार्य, यहाँ पे दिया गया है 6.5×10⁻⁵, फिर बटे आवेश दिया गया है 1.3×10⁻⁷। तो यहाँ पर दोनों दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.65, दशमलव से दशमलव कट गया और 13.65 कट गया, तो ये आएगा फिर 5×10⁻, ये बट्टे में -7 दी है पावर में, तो जब -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और +7 से -5 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5×10⁻² यानी कि इसको लिख सकते हैं 5×10⁻² का मतलब हो जाएगा 100, और जब 100 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये आ जाएगा 500 वोल्ट। इसके बाद दूसरा है किसी सम विभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 500 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया दो बिंदुओं के बीच 500 माइक्रोकूलाम आवेश, यानी कि Q बराबर दिया गया है 500 माइक्रोकूलाम, इसको जब कूलाम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 500×10⁻⁶ कूलाम, इतना हो जाएगा। क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होने के कारण दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा उसका मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा। इसके बाद सूत्र होता है W बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो W बराबर आवेश दिया गया है 500×10⁻⁶ डेल्टा वी, यानी कि विभवांतर हो जाएगा शून्य, और जब शून्य का गुणा इसमें करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 0 में करने पर उसका मान 0 होता है, तो फिर किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। इसके बाद तीसरा है किसी इलेक्ट्रॉन गन में प्लेट तथा फिलामेंट के बीच 5000 वोल्ट का विभवांतर है, गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिलामेंट के बीच का जो विभवांतर दिया है वो 5000 वोल्ट दिया गया है, यानी कि डेल्टा वी बराबर दिया गया है 5000 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन गन देने के कारण यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि क्यू बराबर ई, और इसका मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रयोग किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1×10⁻³³ किलोग्राम, और यहाँ पर ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का वेग, यानी कि स्मॉल वी बराबर क्वेश्चन मार्क, और वेग ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको भी बताया गया था वी बराबर √2Q×ΔV/m, तो आप इस सूत्र में सभी मान रखे जाएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल वी बराबर √2×Q का मान हो जाएगा 1.6×10⁻¹⁹, फिर Δv का मान हो जाएगा 5000/m का मान दिया गया है 9.1×10⁻³⁹। इसके बाद
ये हो जाएगा स्मॉल वी बराबर अंडर रूट 2 का गुणा जब 5000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, यानी कि ये आ जाएगा 10000 गुणे यहाँ पर 1.6 और 9.1 दोनों का दशमलव जब काट देंगे तो यहाँ पर आएगा 16 और बट्टे में हो जाएगा 91 गुणे 10^-31 और यहाँ ऊपर अंश में बचा था 10^-19, यहाँ पे दशमलव से दशमलव कट गया। इसके बाद स्मॉल वी बराबर अंडर रूट यहाँ पे 10000 दिया गया, इसको लिख सकते हो आप 10^4 गुणे 116 गुणे 10^-19 और जब ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 31 और बट्टे में हो जाएगा 91। इसके बाद वी बराबर अंडर रूट 16 गुणे 10^ यहाँ पर 19 से ये वाला 4 घटेगा तो ये बचेगा -15 और 31 से जब -15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 और बट्टे में आ जाएगा 91। इसके बाद ये हो जाएगा स्मॉल वी बराबर यहाँ पे दिया गया 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। इसके बाद दिया गया 10^16 तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 10^8 बट्टे में लिखा गया 91। 91 का वर्गमूल हो जाएगा 9.6, यानी कि 91 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये आएगा 9.6। तो ये हो जाएगा फिर v बराबर यहाँ पे 4 से इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 4, इसको काटेंगे तो 4 × 2 = 8 और फिर 4 × 4 = 16 गुणे 10^8 यहाँ पर दशमलव काटेंगे और एक जीरो पर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा फिर v बराबर 2×5 = 10 और इसको काटेंगे तो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 और गुणे में आ जाएगा 10^8। इसके बाद स्मॉल v बराबर जब 12 से 5 को भाग करेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50। इसके बाद ये हो जाएगा 12 × 48, यहाँ पर बचेगा 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 20, यानी कि ये आएगा 12×12। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 12×72 और गुणे 10^8 तो फिर ये हो जाएगा v बराबर 0.1 दाएं तरफ ले जाना आपको बताया था, मानक रूप में लिखते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा 4.16 × 10^7 या फिर इसको अगर आप शुद्ध करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर 4.2, ये अंक 5 से बड़ा है तो पहले वाले में एक जोड़ देना है, गुणे 10^7 वेग है इसलिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद चौथा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम खटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 μC का आवेश है, खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, यानी कि ये खटभुज दिया गया है सम खटभुज, यानी कि इसकी 6 भुजाएं जो है वो बराबर होंगी और सभी शीर्षों पर 5 μC का आवेश दिया गया है तो इन आवेशों के कारण खटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो इसमें जो इसकी भुजा दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और खटभुज का जो शीर्ष होता है वो केंद्र से समान दूरी पर होता है, यानी कि इसका केंद्र जो है सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है और इसकी भुजा दी गई है ए, तो यहाँ पर जो शीर्ष है शीर्ष से केंद्र तक की दूरी भी हो जाएगी ए, तो इन सभी बिंदुओं की दूरी जो होगी वो स्मॉल ए होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को ए बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलना है तो ये हो जाएगा 10 × 10^-2 तो ये बदल के हो जाएगा मीटर में, या फिर इसको लिख सकते हैं आप ए बराबर 0.1 मीटर। तो ये इसकी भुजा हो गई। तो सबसे पहले किसी एक आवेश के कारण इसमें बिंदु मान लेंगे आप अलग ए बी सी डी ई और ये वाला हो जाएगा एफ। तो इसके बाद ए पर स्थित आवेश क्यू के कारण बिंदु ओ पर विभव, यानी कि जो बिंदु ए पर आवेश दिया गया है इसके कारण पहले केंद्र पर विभव ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे तो V1 बराबर 1/4πε₀ q/a, यहाँ पर r की जगह पे दूरी a मानी गई इसलिए a प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा V1 बराबर, इसका मान बताया गया था पहले चैप्टर में, इसका मान होता है 9 × 10^9 फिर इंटू क्यू का मान, यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 μC दिया गया है तो जब यहाँ पर मान रखेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 × 10^-6 क्योंकि यहाँ पर जो आवेश का मान रखना है वो कूलाम में रखना है और यहाँ पर जो दिया गया वो माइक्रो कूलाम में दिया गया है तो ये हो जाएगा 5 × 10^-6 फिर बट्टे ए,
यानी कि दूरी दी गई है 0.1। इसके बाद ये हो जाएगा V1 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 गुणे 10^9, से यहाँ पर 6 घट जाएंगे माइनस का तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और बट्टे में हो जाएगा 0.1, यानी कि V1 बराबर 45। देखिए ये दशमलव जब काट देंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 450 गुणे 10^3। विभव निकाल रहे तो इसका मात्रक हो जाएगा, उल्टी यहाँ पर दशमलव काट दिया गया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया, बटे में बचा 1, और 1 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये विभव बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण आ गया। इसके बाद अतः सभी शीर्षों पर स्थित आवेशों के कारण ओ पर विभव, तो यहाँ पर सभी शीर्षों पर जो आवेश था वो समान था, इसलिए आपको सभी शीर्षों पर निकालने के लिए सीधे 6 शीर्ष होते हैं, 6 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर आवेश अलग अलग होते तो सभी शीर्षों से अलग अलग विभव निकालते, उसके बाद सभी को जोड़ा जाता, लेकिन यहाँ पर सभी पर आवेश समान है इसलिए एक शीर्ष का आवेश विभव निकाल कर 6 से उसको गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा फिर V बराबर 6 × V1 का मान 450 × 10^3 गुणा करेंगे तो 0, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 और 3 हो जाएगा 27 गुणे 10^3। अब इसमें दशमलव जो होगा लास्ट में होगा, बताया था मानक रूप में लिखना, और मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव एक अंक पे होना चाहिए, तो ये 2.7 गुणे 10^ देखिए 1, 2, 3, तो 3 और ऐड हो जाएगा तो 2.7 गुणे 10^6 विभव निकाल रहे थे इसलिए वोल्ट। इसके बाद अगला है यूरेनियम 238 के नाभिक में 2 प्रोटॉन 6.0 × 10^-15 मीटर की दूरी पर हैं, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर नाभिक के 2 प्रोटॉन जो है वो 6.0 × 10^-15 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये R बराबर दिया गया है 6.0 × 10^-15 मीटर। यहाँ पर लिखा गया 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 2 हैं, तो दोनों प्रोटॉनों पर जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 × 10^-19 कूलम, तो ये दोनों प्रोटॉनों के आवेश हो जाएंगे। ज्ञात करना उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि U का मान ज्ञात करना है, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताया था U बराबर 1/4πε₀Q1Q2/R। तो जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा U बराबर, और इसका मान यानी कि 1/4πε₀ का मान 9 × 10^9 आवेश Q1 Q2, तो पहला आवेश 1.6 × 10^-19, फिर गुड़े दूसरे का आवेश 1.6 × 10^-19 और बट्टे में R, R का मान है 6.0 × 10^-15। तो ये हो जाएगा फिर U बराबर 9 × 1.6 × 10^19, यहाँ पर 19 और 19 दोनों माइनस में है तो जुड़ के हो जाएगा −38, फिर गुड़े 10^, ये माइनस में 15 दिया है, जब माइनस 15 ऊपर जाएगा तो −15 प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 और 9 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और बट्टे में दिया है 6.0, इसको आप केवल 6 भी लिख सकते हो, अगर इसको काटेंगे तो 3 × 9, 3 × 2 = 6, फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, और ये हो जाएगा 0.2816, यानी कि ये आएगा फिर U बराबर 3 × 0.08 × 1.6 × 10^38, से जब 24 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा −14। इसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 24, यानी कि 2.4 × 1.6 × 10^-14। इसके बाद जब इसका गुणा करेंगे 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 × 6 = 64, और फिर 16 × 2 = 32, 32 × 6 हो जाएगा 38। 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुड़े 10^ यहाँ पे दिया गया है −14। तो ऊर्जा निकाल रहे थे और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल।
ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसमें गोले की त्रिज्या जो दी गई वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आर बराबर 1×10^-2 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 10^-2 मीटर, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। और इस पर आवेश दिया गया है 1 कूलम, ज्ञात करना है वैद्युत विभव, यानी कि V बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0Q/R। तो V बराबर इसका मान होता है 9×10^9, Q का मान 1 और R का मान 10^-2, तो ये हो जाएगा V बराबर 9×10^-2, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 10^11, और विभव निकाले तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, संलग्न चित्र में दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया और तीनों के शीर्ष पर आवेश दिए गए हैं, पहला वाला है -Q, दूसरे पे +Q और तीसरे पे भी +Q। तो कुल ऊर्जा ज्ञात करनी, यानी कि यू का मान आपको ज्ञात करना है, तो कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यू बराबर UAB+UBC+UCA, यानी कि ए और बी के बीच की ऊर्जा, फिर बी और सी के बीच की ऊर्जा, और तीसरा सी और ए के बीच की ऊर्जा। तो फिर ये हो जाएगा यू बराबर, यहाँ पे यू ए बी इसकी जगह पे सूत्र प्रयोग करेंगे तो 1/4πε0, सूत्र में होता है Q1 Q2, तो पहला आवेश है यहाँ पे -Q और दूसरा आवेश है +Q, और बटे इनके बीच की दूरी, तो दूरी इनके बीच की दूरी हो जाएगी 2a, तो ये यू ए बी हो जाएगा, फिर प्लस यू बी सी, जब बी और सी के बीच की ऊर्जा निकालेंगे तो फिर 1/4πε0, फिर पहला आवेश +Q, दूसरा आवेश +Q और बीच की दूरी है a, फिर इसके बाद प्लस अब यू सी ए, यानी कि सी और a के बीच की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, पहला आवेश +Q, दूसरा आवेश -Q और बट्टे बीच की दूरी हो जाएगी 2a, तो ये हो जाएगा फिर u बराबर इसमें 1/4πε0 पूरे में कॉमन, तो यहाँ पर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -Q²/2a, फिर प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो Q²/a, फिर प्लस यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये वाला प्लस माइनस मिलके हो जाएगा -Q²/2a, यानी कि इसको लिख सकते हैं U बराबर 1/4πε0 -Q²/2a +Q²/a, और फिर माइनस माइनस मिलके ये भी माइनस में हो जाएगा Q²/2a, यानी कि यहाँ पे माइनस प्लस मिलके ये माइनस हो गया। अब इसके बाद U बराबर 1/4πε0, इसमें ऊपर Q² कॉमन हो जाएगा और बट्टे में A कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा -1/2, फिर प्लस दूसरे में बचेगा 1/1, फिर माइनस यहाँ पर बचेगा 1/2, तो ये हो जाएगा फिर U बराबर 1/4πε0 Q²/a, यहाँ पर माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 दोनों माइनस में दिए हैं और दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, और 2 से जब 2 काटेंगे तो इसका मान आएगा 1, या फिर देख सकते हैं ये आधा दिया गया आधा ये दिया गया, मिलके हो जाएगा पूरा, यानी कि 1 आधा आधा हाफ हाफ मिलके फुल 1, और चिन्ह माइनस था इसलिए माइनस लग जाएगा, फिर प्लस का 1, तो ये हो जाएगा फिर यू बराबर 1/4πε0 Q²/a, यहाँ पे -1 से +1 जब घट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 0, और 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी उस निकाय की 0 होगी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर के बराबर दो परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दोनों आवेश हैं 40 माइक्रो कूलाम और इसका मध्य बिंदु मान लिया गया है M और दोनों के बीच की कुल दूरी दी गई है 0.4 मीटर, तो इसके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना, यानी कि इधर की आधी दूरी हो जाएगी 0.2 मीटर और इधर की आधी दूरी 0.2 मीटर, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर। तो मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो Q1 आवेश के कारण विभव और Q2 आवेश के कारण विभव दोनों का योग निकालेंगे तो मध्य बिंदु पर विभव आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा V1 बराबर लिखेंगे 1/4πε0 Q1/R1 फिर +1/4πε0 Q2/R2। ये हो जाएगा V बराबर इसमें 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा Q1/R1 और +Q2/R2। इसके बाद जो आवेश दिया गया था इसको यहाँ पे माइक्रो कूलाम से कूलाम में परिवर्तित कर लिया गया है 10^-6 से गुणा करके। यहाँ ऊपर क्वेश्चन में के बराबर दो परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है ये भी बताया गया था, तो आपको यहाँ पर ε₀ के का प्रयोग करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो ये पूरा कॉमन हो जाएगा 1/4πε₀ के, और के का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 2। तो अब इसमें जब सारे मान रखेंगे तो V बराबर यहाँ पर 1/4πε₀, इसका मान होता है 9×10^9 फिर बट्टे में है K, K का मान हो जाएगा 2 फिर ब्रैकेट Q1 का मान 40×10^-6 R1 का मान 0.2 फिर +40×10^-6 0.2 इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V बराबर 9×10^9/2, यहाँ पे दोनों के हर बराबर हैं तो लासा आ जाएगा 0.2, हर बराबर होने पर अंश की संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो 40 और 40 मिल के हो जाएगा 80×10^-6 इतना आ जाएगा। इसके बाद V बराबर 9×10^9×80×10^-6 इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2×2=4 और दशमलव लग जाएगा एक अंक पे, यानी कि 0.4। तो V बराबर 9×10^9×80×10^-6 4, यहाँ पर अगर दशमलव काट देंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर 9×10^9 से ये वाला 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3×, जब 4 से 800 को भाग करेंगे तो 4×8 यानी कि ये आ जाएगा 200। इसके बाद गुणा करेंगे 200 का 9 में तो 9×18 यानी कि 1800×10^3। अब इसके बाद जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर 0.1 अंक पर होना चाहिए, यानी कि 1.8। दशमलव कितने अंक आया बाई तरफ, 1, 2, 3 अंक, तो यहाँ पे घात में 3 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 10^6 विभव निकाल रहे थे तो इसका मान वोल्ट में आ जाएगा।